आइए। आदाब शाहजमा साहब। आदाब सिंह साहब। तशरीफ रखिए सिंह साहब। मुझे तो अभी भी इसके नियत पे शक है। मुझे तो पूरा यकीन है ये आज भी कोई ना कोई बहानेबाजी जरूर करेगा। काश अगर मोहकम चंद जी और गौसा चाचा यहां होते तो कितना अच्छा होता। आना तो वो भी चाहते हैं सिंह साहब, लेकिन क्या करें, वजीर फतेह अली से फुर्सत मिले तब तो कुछ और सोचें। अजीब जिद है फतेह अली की, उन्हें अटक भी चाहिए और शाह शुजा भी। नहीं शाह जी, फतेह अली खान की असली मांग तो कोहिनूर ही है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इतिहास अब करवट बदल चुका है। आदाब सिंह साहब। वैसे तो इस मुल्क में हम आप ही के मेहमान हैं, फिर भी जो आप लोगों को खुशामदीद कहने का मौका मिला है ये मेरे लिए बेहद मसरत का बायस है। हाँ, हमें भी इस वक्त का बहुत बेसब्री से इंतजार था। खैर, वाहेगुरु की मेहर से आज वो घड़ी भी आ ही गई। इजाजत हो सिंह साहब, तो आपकी तमाम मेहरबानियों और बख्शीशों के एवज में मैं वफा बेगम ये नायाब नजराना आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। दरअसल ये कोहिनूर आप ही की अमानत है। मेरे शौहर के सामने इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। दरअसल मुझे अफसोस है कि इस वक्त आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, अपना कुछ भी नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे कबूल करके मेरा कॉल पूरा करने में मेरी मदद जरूर करेंगे। आओ शाह शुजा, आओ। आज से आपका शुमार हमारे अजीम दोस्तों में होगा। यह लम्हा अफगान पंजाब के दोस्ती की तवारीख में हमेशा रहेगा। We'll be right back.
मुझे छोड़ो कमबख्तो, छोड़ो मिस्टंडो, मुझे महाराज से मिलना है, मुझको छोड़ दो, मुझको छोड़ दो। क्या? रुको, छोड़ दो उसे। माई ये क्या किया तूने? मेरे कपड़ों पर कालिक क्यों? महाराज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो इस लोहे के तवे को सोने का करना चाहती थी। सब लोग यही कहते हैं कि पारस से लोहा छुपा दो तो वो सोना बन जाता है। पारस, तूने देखा है कभी पारस को?